एक बार फिर आप रेडी हैं अब्रॉड होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर भी शेफ राणा, जो कि आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जहां जहां जिस जिस कंट्री मैंने काम किया था, जैसे दुबई में, दोहा कतार में, बहरीन में, और अभी प्रेजेंट में मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूं, तो सऊदी अरब का पर्सनल एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अब्रॉड में होटल में काम कैसे होता है, अब्रॉड में जॉब कैसे लेता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल है उसको जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है इन्फॉर्मेशन लेके हम फ्यूचर में सबसे पहले उसकी नॉलेज आपको मिले। फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है कि बहुत सारे लोग यूरोप साइड में क्यों नहीं जा पाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये साइड में क्यों नहीं जा पाते हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं, और वो सारे लोग गल्फ में ही क्यों आते हैं, तो वो सारे आपको मालूम चल जाएगा क्या क्या रीजन होते हैं। स्पेशली सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, वो होती है मनी, क्योंकि गल्फ कंट्री में आप जब भी आते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 1,00,000 रुपए तक आपको जॉब मिल जाती है, किसी भी एजेंट के थ्रू, किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू, यहाँ इजीली आप 1,00,000 रुपए में आ सकते हैं, और थोड़ा कम सैलरी में आप जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया से या बांग्लादेश से, जहाँ भी कंट्री में आप बिलोंग करते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर आप सैलरी कमा सकते हैं। और अगर आपने बहुत सारा टाइम यहाँ पर गुजार लिया तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो बहुत सैलरी भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो फ्रेंड, सबसे पहला यही होता है कि, और अगर आप वो कंट्री में अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, और भी किसी भी कंट्री में, अगर उधर अप्लाई करते हैं, तो मिनिमम आपको 6,00,000 से लेके 10,00,000 तक चाहिए अपनी करेंसी में, जो कि हर किसी के पास नहीं होता है। सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि बहुत सारे लोगों पर पैसा नहीं है, बहुत सारे लोग इसीलिए वहां पर नहीं जा पाते। सबको मालूम है फ्यूचर वहां पर ज्यादा है। अगर आप गल्फ कंट्री में आते हैं, कितना भी आप काम कर लो, यहाँ से आपको वापस अपने देश जाना ही पड़ेगा। अगर आप वो कंट्री में जॉब ले लेते हैं, इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद में, तो वहां आपको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है और वहां परमानेंट रह भी सकते हैं आप। ये आपको सबसे बड़ा फायदा होता है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत होती है पैसा। हर किसी के पास नहीं होता, तो वो ये सोचते हैं चलो गल्फ कंट्री चलते हैं। ये भी होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री आने के बाद में यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पैसा इकट्ठा करने के बाद में वो कंट्री में अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से चले भी गए और इजी भी हो जाता है। इसलिए आप यहाँ आके जॉब लेके वहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपको एक हेल्प हो जाएगी फाइनेंशियली। नेक्स्ट जो पॉइंट है वर्क, फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि आपको वर्क सेम टू सेम मिलता है, जैसे आप अपने कंट्री में काम करते हैं, वो उससे थोड़ा ही अलग होता है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। जैसे मानो मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एज ए शूशर में मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, खाली एक किचन को मैनेज करना है एज ए मैनेजर की तरह। लेकिन अगर आप गल्फ कंट्री को छोड़ के यूरोप कंट्री वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे आपको सारा काम करना पड़ेगा जैसे दूसरे बंदे काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे कॉमी 3 काम कर रहा है स्टार्टिंग से, ऐसे ही आपको सारा काम करना पड़ेगा। आपको कटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको कुकिंग भी करनी पड़ेगी, आपको क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, यानी कि वहां पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ आप आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन वहां आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन वहां सैलरी ज्यादा है, बेनिफिट्स ज्यादा है अगर आप चले जाते हैं, तो ये भी मेरा मानना है। तो हार्ड वर्क तो वहां पे करना ही पड़ेगा, और यही रीजन है कि मैं आज यहाँ पे आराम से काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे सुशेफ एग्जीक्यूटिव काम आराम से कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां जाते हैं आपको, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग इसीलिए भी नहीं जाना चाहते फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बहुत सारे लोगों का आता है, वो आता है इंग्लिश, क्योंकि वहां पर जाने के लिए आपको मालूम है इंग्लिश का आइल्स का जो एग्जाम होता है वो आपको देना ही पड़ता है, और बहुत सारे लोग इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं, स्पेशली हाउसकीपिंग और किचन में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीक होते हैं इंग्लिश में। अगर जो लोगों का इंग्लिश सही है वो तो लोग जा सकते हैं, लेकिन जो लोगों का इंग्लिश अच्छा नहीं है, अच्छा मतलब बोले तो बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते हैं, तो वो गल्फ कंट्री की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं और उसके बाद वो वहाँ अप्लाई भी कर देते हैं। यहाँ इंग्लिश के कोचिंग वगैरह भी बहुत सारे लोग लेते हैं, आईएलटीएस के जो कोचिंग है यहाँ भी होते हैं, इंडिया में भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो रीजन है वो है बहुत सारे लोग अपना कंट्री छोड़ना भी नहीं चाहते, यानी गल्फ कंट्री में आके यहाँ पे काम करने के बाद में पैसा कमाने के बाद में वो अपने मुल्क वापस जाते हैं, और रिलेटिव
और अपने कंट्री को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये भी रीजन है कि बहुत सारे लोग वहां नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग इन तीन मोस्टली जो प्रॉब्लम है, इंग्लिश, मनी और वर्क, इनकी वजह से वहां नहीं जाना चाहते। लेकिन बहुत सारे लोग जाना भी चाहते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाता है, तो वो क्या करें, क्या करें? जो कि मेरा मानना है, जो मेरा आइडिया है, वो सबसे पहले गल्फ कंट्री आए, और गल्फ कंट्री आने के बाद में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए हार्ड वर्क भी यहाँ पर करें, काम सीखें और पैसा कमाएं और अपना इंग्लिश इम्प्रूव करें। इंग्लिश और इम्प्रूव करने के बाद में तो आइल्स का एग्जाम दें, सबसे पहली सीढ़ी वही होती है वहां की जाने के लिए, उसके बाद में पैसा लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आने के बाद में आप इजीली कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 साल लगेंगे लेकिन आप 100% जा सकते हैं। यहाँ से आपको इजी भी हो जाता है और बहुत सारी कंसल्टेंसियां भी है यहाँ पे लोकल में, मेरे को नाम मालूम नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग चले भी गए। तो आप भी यहाँ आने के बाद में वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं जा पाते फ्रेंड, जो मैंने आपको रीजन बनाया। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए जिससे उनका भी भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर कोई भी कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मैं बिजी नहीं रहा, ड्यूटी पे नहीं हूँ, तो 100% आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।